Hello everyone. Today we are taking multiple choice questions, 25 best questions on Indian Constitution. अभी हम इस पे बात करेंगे. Are you ready? Let us start. The Constitution of India was adopted on कब adopt हुआ है? The Constitution of India. बताइए. The correct answer. चार में से the correct answer is 26 November 1949. Constitution of India came into force on किस दिन? Constitution of India came into force on ये dates में से बताइए कौन सी correct date है. बताइए, ये है 26th of January 1950. C. The correct answer is C. The Constitution Day कब celebrate करते हैं हम? वो करते हैं, आंसर इज डी. करेक्ट आंसर इज डी. देन हु इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए चार में से फोर. फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू. बताइए, द करेक्ट आंसर इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा वर्ड नहीं है? हमने अभी पढ़ा सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, सॉवरेन है, तो कौन सा नहीं है? फोर्थ, मोरालिटी. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम, कहाँ से बोरो किया है हमने? ये किया है हमने, द करेक्ट आंसर इज यूएस. पार्ट टू किस से डील होता है? पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद पार्ट टू सिटीजनशिप. पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स है. पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. टू किस से डील करता है? पार्ट टू सिटीजनशिप, पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स. एज पर द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन बिजनेस कर सकते हैं. तो ये क्या हो गया? ये हो गया फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया. दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स, मीन्स दिस कम्स इन बी, इट इज अ फंडामेंटल राइट. प्रैक्टिस करना है, कहीं भी प्रोफेशन अपना करना है या बिजनेस कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है. इलेवन की क्वेश्चन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है हमने? आर बोरोड फ्रॉम US Constitution से लिया हमने. तो करेक्ट आंसर इज US Constitution. ठीक है जी. विच ऑफ द गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द गिवन इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसमें फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट ऑफ रिस्टोरेशन. ऊपर के तीनों राइट्स हमने देखे हैं. ये राइट, राइट जो डी है, ये आंसर है इसका. ये फंडामेंटल राइट नहीं है. आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स. आर्टिकल 17 क्या करता है? प्रोवाइड करता है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, यस. अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड, यस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, यस. तीनों सही है. तीनों सही होने से हो गया ऑल ऑफ द अबव. आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटिंग टू, बताइए. राइट टू इक्वालिटी तो 14 का है, ठीक है. तो जो बचता है, जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. देन फंडामेंटल ड्यूटीज टू इंडियन सिटीजन्स वेर एडेड. फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ऐड हुई है? ये हुई है 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है. 15 पे हम अभी हैं, वी आर एट 15. फंडामेंटल ड्यूटीज टू इंडियन सिटीजन्स आर
were added by the constitution by way of 42nd amendment. Okay, now next is the fundamental duties were added to the constitution in the year in which year the fundamental duties were added to the constitution in the year 1976. The correct answer is 1976. 42nd amendment to the constitution added. 42nd amendment के जरिए क्या add हुआ है? Part 4A. Part 4A. ये तीनों questions एक दूसरे से. Part 4A is the answer. Okay, now we'll see that fundamental duties 1976 में add हुई है और वो Part 4A में हुई है. और वो आर्टिकल कौन सा है जिससे 4A कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल विच आर्टिकल 51A. ठीक है, यहाँ तक हम आ गए. नाउ विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 का 42nd अमेंडमेंट. फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात करते हैं तो कौन से कंट्री से उसको ये किया है, मतलब बोरो किया है या इंस्पायर्ड हुआ है, वो है USSR. और करेक्ट आंसर इज डी. वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड 86th अमेंडमेंट के जरिए. वो कौन से साल में ऐड हुई है? 2002 में. ठीक है, पार्ट फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. टू देखा सिटीजनशिप है, थ्री फंडामेंटल राइट्स है, फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है. 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम, सॉरी इट्स आंसर इज सी, ओके, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, now under which of the following articles of constitution of india president can impose presidential rule. presidential rule kab impose kar sakte, kaun se article mein? 356 ke hisab se. the authority which issued the constitution application to jammu and kashmir order 2019 abrogation of article 371 and article 35a of constitution of india. kaun si authority? supreme court, governor, prime minister or president. The authority is the President of India.